अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो आज हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं दोबारा से। अब हमारा जो गाड़ियों वाला का व्लॉग होता था वो दोबारा से शुरू हो गया है। तो बस अभी मैं घर जा रही थी, सो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और बस अभी हम निकले थे। मुझे एक जगह से एक शर्ट पिक करनी थी तो वो मैं कर लूँ, और उसके बाद ये है कि आज पूरे कराची में बादल आ चुके हैं और बारिश का सीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। ये है, आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है क्योंकि गाड़ी की भी आज थोड़ी सी आवाज़ हो रही है कुछ खच खच, तो ये है। और पीछे से लाइट आ रही है इसलिए क्लियर नहीं आ रही वीडियो। तो अभी हमारा दिन तो खैर सुबह से स्टार्ट हो गया था, अभी मैं रास्ते में थी, बस घर चलेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करेंगे। मैं सोच रही हूँ रास्ते से कहीं से समोसे जलेबी ले लूँ क्योंकि आज मौसम थोड़ा बेहतर है। तो देखते हैं कि हमें कहीं मिलती है कि नहीं मिलती है, और आप लोग बताएं सब ठीक ठाक हैं, कैसे हैं। फ़ौरन से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अब हम आगे चल के देखते हैं कि हम क्या करेंगे। The next day. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं बाहर से ही, हम निकले हुए थे। तो अब हम एक जगह जा रहे हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और बहुत बहुत मजे की जगह है, चलते हैं अपन। तो अभी हम आ चुके हैं, हम आए हैं बाहर के कबाब यम लग रहे हैं। काफ़ी टाइम से मुझे क्रेविंग हो रही थी कि हम आए और हम फाइनली आ चुके हैं। सो अब जैसे ही हमारा खाना आता है हम आप लोगों को दिखाते हैं। और एक और बात करनी, बहुत ज़्यादा है और इतने कोई लोग हैं यहाँ पर, पूरा जो है ये फुल ऑन भरा हुआ है। अगर आपको खाना हो तो आप ज़रूर खाएँ, लेकिन टाइम पे जल्दी आए। ले तो जो है 11 बजे, तो अगर आप जल्दी आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर जगह मिलेगी और इतना रश नहीं आएगा। लेकिन ऐसे तो यहाँ पर तो रश भी हो गया। मैं आपकी और मेरी अच्छी तो यहाँ पे हमारे प्याज और चटनी आ चुकी है। चटनी इनकी बहुत ही मज़े की होती है। सो यहाँ हमारा खाना आ चुका है जिसमें यमी यमी पूरियाँ हैं। ये है पूरी पराठा जो यहाँ का बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये हमारी पूरी पराठा आ चुका है, ये हमारा धागा कबाब आ चुका है, ये हमारा धागा कबाब। हम सब ने धागा कबाब ऑर्डर किया है क्योंकि हम लोग को सबको धागा कबाब बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें से सबसे मुश्किल जो टास्क होता है ना वो होता है इसका धागा निकालना। अब इसमें से हम धागा निकालते हैं और सैलड, ये रायता चटनी इंजॉय करते हैं यहाँ से। कौन सी ना एक और नहीं है। तो यहाँ पर मैंने किया है ये पाइप का, इसको हम चटनी में डिप करेंगे और फिर हम इसको खाएंगे। यम्मी हमेशा की तरह इसके लिए प्याज होता है तो बस। तो हम खाना वाना खा चुके हैं, खाने से हम सारे हो गए थे, बहुत ही मज़ेदार बहुत यम बस हम घर जाते हैं। तो अभी हम आगे जा रहे थे और हमने लिए आइसक्रीम, तो थोड़ी सी आइसक्रीम भी इंजॉय करते हैं। ये है आइसबर्ग की, काफ़ी अच्छी होती है, इसको भी ट्राई करते हैं क्योंकि हमें सामने ही नज़र आ गई थी। तो लेट्स सी ये कैसी होती है। जी तो हम आ चुके थे घर, और घर आते आते टाइम हो गया काफ़ी, 1 बज गया, और मुझे बस अभी नमाज़ भी पढ़नी थी। नमाज़ पढ़ के मैं गई नहीं थी आज थोड़ा सा लेट हो गया था, नमाज़ नहीं पढ़ के गई थी। तो अब जाके नमाज वमाज़ पढ़ूंगी और आप लोग को बस जो मैं प्रॉपर व्लॉग तो नहीं कर सकी, लेकिन
जहाँ जहाँ कर सके, क्योंकि फैमिली बहुत थी वहाँ, बहुत शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। पता नहीं ये अपना और ज़्यादा जगह बढ़ाते क्यों नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, गफ्फार कबाब जी जो कबाब हाउस जो है, इनको ज़रूर चाहिए कि जो ज़्यादा थोड़े से ओल्ड होते हैं लोग, उनके लिए आपको ना लिफ्ट ज़रूर लगानी चाहिए। कुछ लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उनकी स्टेयर्स इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी ऐसी मुश्किल सी बनी हुई है, तो वो उनको चाहिए कि ज़रूर लिफ्ट लगा लें, ताकि आपका खाना इतना मज़े का है। लेकिन जो लिफ्ट विफ्ट नहीं होती ना वहाँ, तो जो आने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। तो खैर आज का व्लॉग ये था, और मुझे आपको दिखाना था, इतने मज़े के मुझे मोतिया के फूल मिले, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, उफ इसको अगर आप सूंघ लो और आप अपने साइड टेबल पे रख दो ना, ओहो क्या मज़े की नींद आती है। सो ये इन्जॉय करें, आजकल इनका सीज़न भी और फुल ऑन ब्लूम चल रहा है इनका ना, तो मेरे जो फादर इन लॉ है ना वो तो हर वक्त ला रहे होते हैं, तो ये सॉरी ये हुआ। और हमने वहाँ पे क्या ट्राई किया, और हमने एक तो कबाब, हम लोग को ज़्यादा जो सबसे अच्छे लगते हैं ना उनके यही धागा कबाब अच्छे लगते हैं, बाकी साइड पे उनकी निहारी और फ्राइड कबाब है, लेकिन बेस्ट जो है ना वो बिहारी कबाब है, ये बेस्ट है। और दूसरा मैंने आज ट्राई किया वहाँ पे, मैं यही कोशिश कर रही थी कि अगर फिज़ा या कोई और सी हो, क्योंकि मैं सेवन अप वगैरह नहीं पी रही, तो इसलिए फिज़ा तो वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे थी बज़ब, बज़ब के नाम से एक ड्रिंक थी जो पाकोला वालों की थी, लेकिन वो एग्जैक्ट वैसी टेस्ट नहीं है उसका, पता नहीं क्यों थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट आ रहा था, जबकि उसकी फिज़ा बहुत अच्छी है। आपकी एक और कोई डॉलप या कुछ ऐसी करके आई है उनकी है, किसकी है ये, किसकी है क्विस वालों की, हाँ क्विस वालों की है, वो भी बहुत अच्छी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये जो बज़ब है ना ये बिल्कुल मुझे नहीं अच्छी लगी। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा अपना टेस्ट अच्छा कर लें तो फिर शायद चल जाए, इनकी बेस्ट तो वही पाकोला ही है। तो ये था, मुझे ये शेयर करना था आप लोग से, छोटा सा ये मेरा व्लॉग है, होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लोगों ने क्या करना है, फ़ौरन से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें, और कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसी लग रही है। आजकल फुल ऑन ना मेरा इंस्टाइल यही चल रहा है, क्योंकि इतनी कोई गर्मी हो रही है, दुआ करें कराची में भी बारिश हो जाए, क्योंकि लाहौर में भी हो रही है, इस्लामाबाद में भी हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन पता नहीं कराची में क्यों नहीं हो रही। तो हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह कराची में भी बारिश हो, हम भी थोड़ी सी इंजॉय करें बारिश। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको आपकी फैमिली को दुआ में याद रखूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।